तरफ देखो मिस गार दिखने लग गई। सुराख बना के सिलाई करना पड़ेगा यार। आप आ गए हो पता है, इसी के पर मैंने टेंट लगाया था, वहाँ पे ऐसे सीन हो गई कि मैं जाने वाला हूँ एक खतरनाक जगह पर। कहाँ जाने वाला हूँ वो अभी नहीं बताने वाला मैं। गाइस अभी मैंने सारा अपना सेटअप कंप्लीट कर लिया। देखो मेरा बैग, मेरा सब कुछ, मेरे जूते। भाई क्या बात है यार, इतनी सारी महंगी महंगी चीजें पहन के निकल जाऊँ। एक साल बाद मुझे अपना वो कैंप मिल गया, टेंट मिल गई, मतलब इसके बाद चैलेंजेस। वाओ मजा ही आने वाली है, इतनी खुशी हो यार। भाई ने वो ऐसे किया था कि कहीं पे घुमा के वो भूल गया था, पर भूलने के बाद क्या कह रहे हैं मुझे, मुझे पता नहीं है, मैं नहीं ले गया हूँ। मुझे कितने चलना पड़ेगा मालूम नहीं है, तो जाके पुल पे इंतजार करूंगा। दुआ करो कोई गाड़ी जल्दी मिले। दो भाई मिल गए, ये अभी घूमने के लिए आए थे, तो ये पूछने। इस भाई को मैंने बताया कि मैं मतलब हिच हाइकिंग करता हूँ, घूमते रहता हूँ, तो भाई कह रहे हैं कि आपके साथ एक तस्वीर ले लूँ। तो ये भाई यहाँ से जा रहे हैं, कोई गाड़ी नहीं आ रही, क्या सीन होता है यार। ओए होए होए, खबर करे यार, मैं इसके ऊपर बैठ गया। लेकिन ऐसी हो गई यार, अब देखो मैं यहाँ पे बिस्तर डाल के सो सकता हूँ यार। भाई स्वेटर के ऊपर बैठ गया हूँ। रोड पे निकल के वहां से फिर मोड़ना पड़ता है, क्योंकि ये बहुत लंबी है ना। एक दो तीन चार, मैं छोटी गाड़ी पे बैठा यार, मैं आराम करूंगा। चाइना से जब माल आती है ना, तो वो सुस्त में आती है, और सुस्त मतलब इन ट्रकों में भर के वो ले जाते हैं। तो पता नहीं ये सुस्त जा रही है या डायरेक्ट चाइना, लेकिन मैं जाऊंगा एक ज़बरदस्त जगह पर और वहाँ पे कैंपिंग करूँगा। रश चेक करो यहाँ पे, कितने सारे रश हैं, और यहाँ से मोड़ने में भी मसला हो रहा है काफ़ी ज़्यादा। चेक करो अभी ये किस तरीके से मुड़ रही है। ओहो भाई क्या, ओए देखो, अगर पीछे से उस गाड़ी को लग जाती तो कचरा निकल जाती, लेकिन चलो सही है। आई है वो फूनी था कि ये गाड़ी इतना क्यों भगा रहे, अभी मुझे मालूम हुआ कि अंदर धुआं उड़ा रहे। पठान रहा भाई पठान। ख्याल में आगे कोई काम चल रही है, मुझे मिस घर के बारे में कुछ पता नहीं है, देखते हैं आगे जाके क्या सीन होता है। अब देखो इधर से, वाह ये कितनी ऊंची है भाई, वाह तेरी। यहाँ पे चेक करो गाइस, ये हो गई टर्बो। तो मैं अभी सुस्त पहुंच गया हूँ, तो चलो यहाँ से अभी मैं आगे जा रहा हूँ, मेरे ख्याल में पार्क कर रहे हैं। अभी यहाँ से चलते हैं, मौसम काफी खराब हो चुकी है, क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी चलो। एक पुलिस की गाड़ी मिल गई और मैं इसके अंदर बैठ गया हूँ, और इस भाई ने रोका गाड़ी यहाँ पे, तो मज़ा ही आ गई। चलो अब इस पे बैठेंगे और जाएंगे बाजार तक। मैं मिस घर निकला हूँ भाई। इन्हें पिक कर लिया तो वो अच्छा, नहीं किया तो पैदल ही। अस्सलाम वालेकुम, ठीक ठाक सेट। मैं मिस घर निकला हूँ। हाँ खराब होगी पैदल। चलो भाई, तो यहाँ पे मेरा एक फ्रेंड मिल गया, अभी से मुलाकात भी हो गई, तो चलो अभी यहाँ से आगे चलते। अब देखो यार ये मैं खा रहा था, ये कुत्ता बोर से देख रहा है, यार बिटुआ खा ले। ओके भाई, वहाँ की कूड़े वो कुटला से आगे जाना पड़ेगा, फिर वहाँ पे एक बंदे ने बताया कि चौकी है, चौकी से फिर आपको एक कच्चे रास्ता तय करना पड़ेगा, फिर कच्चे रास्ते से आपको जाना पड़ेगा इस घर की तरफ, इस घर पहुँचते पहुँचते आपको लग जाएंगे 2 घंटे। मैं यहाँ पे एक पुल पे पहुँच गया हूँ और उसको क्रॉस करके अभी यहाँ से आगे जाना है। तो यहाँ से आगे कहाँ जाना है मुझे कुछ बता दें। हाँ मुझे आगे चलना है, मैंने अभी आधा रास्ता तय नहीं किया। जो पर्सन बोर्ड यहाँ पे, तो और यहाँ से बिल्कुल कच्चा रास्ता है, मतलब यही रास्ता जा रही है छुपुर सिंह के लिए, और इस तरह के मेटल रोड है ही नहीं वहाँ से आगे,
और यहाँ पे नीचे पुलिस की चौकी, और चलो यहाँ से आगे चलते जाते हैं। ओ भाई क्या है इसके अंदर? अबे यार अंदर तो डर लग रही है सर, मतलब सुरंग है भाई। ओ तेरी, हेलो एनीबॉडी हियर? ओ भाई अंदर बहुत मतलब दूर है। काफ़ी मेरे सब्सक्राइबर्स कमेंट में बता रहे थे कि मिस कार दिखाओ, मिस कार दिखाओ, और एक भाई ने ये भी बताया था कि मैं आपको मतलब पैसा शेयर करूंगा, प्लीज़ मैंने देखा नहीं है तो मुझे देखना है मिस कार, तो प्लीज़ जाके दिखाओ। तो आज ज़रूर दिखाऊंगा, आज तो नहीं दिखा पाऊंगा मतलब, क्योंकि आज जाते जाते रात हो जाएगी, तो कल दिखाऊंगा, क्योंकि मतलब पता नहीं यार यहाँ कहीं पे सलाजीत है। ओए 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 इतनी स्मेल आ रही है भाई, ओए 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 यहाँ पे कहीं ना कहीं सलाजीत है, शायद वहां पे कहीं पे, क्योंकि वो पहाड़ ऐसे लग रही है कि वहां पे सलाजीत होगी। बरसाती, बरसाती ठीक है, गलती होगी ठीक है, बरसाती यार, बरसाती भी नूंगा भाई। गाइस यहाँ पे एक भाई मिल गया और अपने साथ भाई के उठाया मुझे, तो चलो अभी चलते हैं। ओ भाई काफ़ी बारिश तेज़ हो गई है, ये रही कैकेश रोड और इधर से आगे एक लिंक रोड जा रही है और वहाँ पे बोर्ड भी लगी है मिस कार लिख के, तो वहाँ से ऊपर की तरफ आपने मुड़ना है। यहाँ से आगे की तरफ देखो मिस कार दिखने लग गई, वो रही आगे मिस कार। वाओ यार अब यहाँ से 5-6 मिनट चलने के बाद मिस कार गाँव पहुँच जाएंगे। केके से तकरीबन 10-15 मिनट चलने के बाद इस गांव में पहुँच जाते हैं और ये गांव बहुत ही खूबसूरत है, बीच से कच्चा रोड और दाएं बाएं साइड पर मतलब खेत ही खेत, बहुत ही खूबसूरत यार, और आगे कचरा नहीं देख लो। ये बहुत अच्छे थे तो इसने मुझे डिटेल के साथ सब कुछ बता दिया कि यहाँ पे क्या है क्या नहीं है। तो ये है मेन मिस कार, ठीक है, यहाँ पे कितने प्यारे प्यारे खेत, ओए होए होए क्या छकास है। तो ये भाई कह रहे हैं कि आप यहाँ पे जहाँ चाहे बैठ सकते हैं टेंट लगा के, तो शुक्रिया भाई जान, थैंक यू। ओए क्या जंगल, पानी चक्कर यहाँ पे नीचे किस तरीके से जा रही है, ओए 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 वाओ छकास यार, अगर इधर बैठ जाए बंदा तो ले जाइए। चलो अब यहाँ से आगे चलते हैं, ओए होए होए आगे चक्कर ग्रीनरी, सुभान अल्लाह माशाल्लाह, ओए ओए जंगल चेक करो यार, ब्यूटी फिल्टर फिल्टर पानी यार, वाह। अब मैं कहाँ पे टेंट लगाऊँ ये आप बताएं मुझे, मैं कहाँ पे टेंट लगाऊँ ये बताओ मुझे, यहाँ पे लगाऊँ यहाँ पे, अबे नीचे पानी यार, वरना ऐसी जगह थी छकास, तो मैं कहाँ पे लगाऊँ, वहाँ पे लगाऊँ, ओए होए होए क्या मजा जगह है भाई, मस्त है मस्त मस्त मलंग। यहाँ पे कहीं पे कोई जगह ढूंढ रहा हूँ मैं, अभी मैं टेंट लगा के सोने तक वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि कल मैं पूरा मिस कर आपको ए टू जेड जीरो सब कुछ दिखाने वाला हूँ, और यहाँ पे कलंदर शाह है कुछ है मतलब इस भाई ने बताया था लेकिन वो भी भूल गया हूँ। तो चलो अभी यहाँ पे कहीं पे अपना टेंट सेट करते हैं, ऊपर से फिल्टर फिल्टर ग्लेशियर वाटर आ रही है। अरे भैया ढूंढ 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 के यहाँ पे एक जगह मिल गई और यहाँ पे छकास जगह मिल गई, ओए होए होए यहाँ पे अभी मैं टेंट लगाऊंगा और बैठ जाऊंगा और क्या करूँगा। तो चलो अभी टेंट लगाना स्टार्ट करते हैं, टेंट लगाना, कैंप लगाना, प्लैंक लगाना, फिर उसके अंदर सुकून करेंगे थोड़ी देर। वाह हाँ ना यार थक गया मैं ज़्यादा चलाऊँ, और बारिश ने भी मारा लेकिन यहाँ पे मौसम सही हो गई, शुक्र है परवरदिगार परवरदिगार। टेंट का क्या हालत कर दिया, देखो यार फाड़ फाड़ के जगह जगह से सुराख ही सुराख है, अब अगर बारिश हो जाए तो मैं कहाँ जाऊँ, चक्की बगैर मैं आ गया था, क्या करूँ मैं, आप पहुँचा हूँ तो बनाना पड़ेगा, अब इससे सुराख बना के सिलाई करना पड़ेगा यार। देख इधर यहाँ से लंगड़ी हो गई है, लूली हो गई है, ये अजीब सी लग रही है मुझे। अरे भैया जी बहुत ही रिस्क है, क्या मुसीबत है यार, अब इसके लिए मुझे स्क्वैश टेप चाहिए लेकिन मेरे पास है नहीं। हाँ तो फाइनली ये बराबर हो गई, अभी मुश्किल से जुगाड़ कर 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 करके बराबर कर दिया,
क्या मुसीबत है। चलो खैर दफ़ा करो, अंदर सही खुशबू होगी ना, सोने के लिए मज़ा आएगा। तो चलो अभी सारा अपने सामान अंदर डालता हूँ, जाओ जाओ भैया जाओ। सामान रेडी हो चुके हैं और अभी जो है मैं चाय बनाने के लिए कहीं से लकड़ी लाऊंगा। यहाँ पर सूखी लकड़ी ये रहे, ओयो क्या बात, जैसे मैं तोड़ के ले जा सकता हूँ और जला सकता हूँ। किसी से लड़ाई हो जाएगी ना यार, पूछताछ करके फिर कुछ काम करना पड़ता है। अब ये मैं लकड़ी तोड़ के अपने लिए दूध गर्म करता हूँ। अब आग जलाने के लिए भी जगह बना लिया। ये कितना गंदा कर दिया यार मैंने उस दिन, रकट लगा 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 के इसको साफ़ किया था। हाँ के लोग मुझे पसंद आ गए, क्यों पता है? क्योंकि मतलब उस भाई ने मुझे बाइक पे बिठा के जो लाया था ना, वो कह रहा था कि मैंने अलिप नहीं पढ़ा है। सही है, उसने मतलब पढ़ा ही नहीं था और उसके अंदर इंसानियत भरी हुई थी। मतलब वो क्या कह रहा था, कल सुबह मैं आपके पास आऊँगा क्योंकि मैं डिप्टी भी जाता हूँ, अगर जल्दी उठे आप तो मैं वहाँ पर ज़रूर आऊँगा, आपसे मिलूँगा और आपको मैं यहाँ से वो किला जो बनी है ना वहाँ पे छोड़ दूँगा और आप यहाँ पे घूमने आए हैं तो आपको मैं घुमाऊँगा। मतलब देखो, मतलब उसने पढ़ा ही नहीं था। कहते हैं कि पढ़ो इंसान बनोगे, पढ़ने से इंसान नहीं बनते, इंसान खुद अगर इंसान बनना चाहे तो खुद बन सकता है। नौकरी के लिए पढ़ते हैं, सीधी सी बात है, बस ख़त्म। हाँ ना यार, रोकड़ा मिले नौकरी मिले बस ख़त्म, उसी के लिए पढ़ते हैं, कोई इंसानियत के लिए नहीं पढ़ता। ये हकीकत बात है, सच है, यही बात है भाई। अपना दूध जो है गर्म करते हैं। हाँ यहाँ पे मैं आके इस जगह पर बैठ गया हूँ, किसी के खेत में। देखो यहाँ पे खेत है और ये भी खेत है। मैं यहाँ पे आके अपने लिए टेंट लगा के बैठ गया। यहाँ से आते जा रहे हैं लोग, काफ़ी आते जा रहे हैं, वो नीचे देख रहे हैं और हंस के जा रहे हैं भाई। तो मैं मतलब ये समझता हूँ कि इंसानियत है। हाँ मतलब इसी तरह हम में भी इंसानियत होनी चाहिए। एक पे आके मतलब इनके खेत को बिगाड़ना नहीं चाहिए, मतलब उलट पुलट करके छोड़ते हैं, मतलब ठीक है, तो यहाँ पे कचरा नहीं फैलाना चाहिए। A few moments later, आप आ गए हो पता है, इसी के पर मैंने टेंट लगाया था। वहाँ पे ऐसी सीन हो गई कि बारिश, हवा और मेरा टेंट का हालत तो आपको पता है यार, पूरा बिगाड़ के सत्यानाश करके रख दिया यार। और मैं आ गया यहाँ पर किसी पुराने घर के अंदर, अभी दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो, आ गया हूँ मैं किसी पुराने घर के अंदर। यहाँ पे किसी जिन भूत की शादी हो गई है मेरे ख्याल में, और ये काफ़ी पुरानी है। ऊपर छत देखो, ओ भाई क्या हालत हो गई यार, और ऊपर छत इतना, भाई क्या बात है। और अभी यहाँ पे काफ़ी कंफर्ट हूँ क्योंकि उस जगह पर मतलब पानी चल रही थी, पत्थर गड़िम गड़म गड़िम, मतलब टॉर्चर हो जाते हैं। तो अभी यहाँ पे पहुँच गया हूँ। वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है और शायद आप यहाँ तक देख रहे हो। तो ये मिसगार जो है पूरा मैं दिखाऊंगा, यहाँ से मैं ऊपर पहाड़ पे जाऊँगा क्योंकि यहाँ से नज़दीक है ऊपर। तो जिस भाई ने मुझे यहाँ पे लाया था उस भाई ने मुझे बताया था, तो कल मैं जाऊँगा वहाँ कलंदरची जो भी है, तो वहाँ पर भी जाऊँगा। यहाँ ऊपर पहाड़ पर जाके यहाँ ऊपर पहाड़ से नीचे की तरफ सारा व्यू दिखाऊँगा। और उस भाई ने मुझे बताया कि यहाँ पर ऊपर जो है पहाड़ में दो सुराख हैं, नीचे वाली सुराख से अंदर घुस के मतलब ऊपर से निकलना पड़ता है, कह रहे दो मंजिलें। भाई मज़ा आने वाली है यार, वाव बहुत एक्साइटमेंट में, नींद भी नहीं आ रही। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, इस तरह की छकास व्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।